सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक ब्लॉग, और हम अभी ईरान में हैं और ईरान का ही ब्लॉग करने जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे, तो बिना देरी के शुरू करते हैं फिर ब्लॉग को। गाइस अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक पहाड़ है जिसके ऊपर हम अभी चढ़ने वाले हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं। और हमारे साथ एक बंदा है जो कि ये करीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। तो हम अभी जा रहे हैं एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए, यहाँ ईरान में इंजॉय करने के लिए। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी जगह है। इसकी बात है थोड़ी सी आपको क्रिकेट की कमेंट्री जैसी लगेंगी, लेकिन बंदा अच्छा है भाई, अच्छा बंदा है। पार्टी बदल लिया साला। अभी हम इस रास्ते पे जा रहे हैं उसी पहाड़ के ऊपर जहाँ पे अभी चढ़ेंगे, तो चलते जाएंगे अभी और आपको दिखाते जाएंगे कि आगे का मंजर क्या है। बने बने। और मैं ये आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हुक भी रहते हैं, अगर मुझे पिक्चर मिल गई तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, ऐसे मेंशन कर दूंगा। ये मतलब इंसान को खाता नहीं है, ज़ख्मी करता है, बहुत बुरे तरीके से इंसान को ज़ख्मी कर देता है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या होता है, लकड़बंगा। लकड़बक्के भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। लकड़बंगे और फुल जंगली वाइल्ड कुत्ते भी रहते हैं, पहाड़ों के पीछे छुपे हुए हैं वो रात वाले। ये जो जितने भी पहाड़ हैं इनके पीछे, इनके उस तरफ पीछे की तरफ होते हैं लकड़बंगे होते हैं और सुअर होते हैं, ऊँट होते हैं, जैसे कहते हैं ऊँट की ज़्यादातर। वो पिंकिश वाले नहीं होते, जंगली सुअर। और यार करीम, हम जब से यहाँ पे आए हैं ना, हमें क्रिकेट का कुछ नहीं मिल रहा है यार। क्रिकेट का यहाँ असल कुछ मिलता नहीं, ये तो हमारा ईरान है। यहाँ पर यहाँ पे देखो कितना बड़ा मैदान है, यहाँ पे क्रिकेट खेलने का कितना मज़ा आ सकता है हमें, लेकिन ना यहाँ पे बैट है ना यहाँ पे। अबे मुझे कुछ दिखा चार टांगों वाला कुछ जाते हुए, उसके पीछे से। रुको रुको रुको, पीछे टो पीछे जाओ। नो नो, अरे भैया तू क्या देख लियो। नो नो, थोड़ा पीछे हटना, जान को खतरे में मत डालो, बाकी तो खैर हो जाएगा। अब क्या चीज है ये, कोई ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे मैंने कुछ देखा जो चार टांगों वाला था जो गया, क्या पता हुक है। हम थोड़ा सा साइड से चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। शायद इसको छेड़ो मत। मैं देख रहा हूँ ना है कि नहीं। इसको देखो नहीं ज्यादा, ये मार भी सकता है। पीछे तो थोड़ा इधर के पीछे छुपे हुए शायद। वो बैंस की टांग है, कहाँ पे टांग रही है हमारी, हमारी कहाँ पे टांग रही है। बिलावल साहब की तकरीर याद आ रही है, वो बिलावल साहब। हाथ तक गया मेरा इतना ब्लॉगिंग, अबे कुछ नहीं हुआ, कुत्ता छुटा होगा यहाँ पे। चलो यार भाई क्या हो गया, शायद मरवा दोगे क्या हमें, कहीं और रास्ता ढूंढ, वहाँ से शायद। चलो वहाँ से आ जाओ, अबे बहुत लंबा पड़ जाएगा यार, वहाँ से रास्ता निकाल लूंगा। चलो चलो चलो, अब वहाँ तक हम पहुँचते हैं फिर आपको मिलते हैं यहाँ पे। हमें बहुत झंझटें झेलनी पड़ेंगी, बहुत पापड़ फेरने पड़ेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तब तक हम जैसे ही पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे फिर हम कि कैसा मंजर है। यहाँ पे कैसे चढ़ेंगे हम, चलो ये वाली दरार से हमें होके निकलना है। पता नहीं व्लॉगिंग हो पाएगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मुझे लगता है ना, मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा, कैमरा बंद करूँगा तो अच्छे से मैं चढ़ पाऊँगा, ठीक है ना। चढ़ के फिर बाद में मिलेंगे। तो गाइस हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये देखो हम यहाँ से चढ़े थे, यहाँ से चढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी हमें वहाँ पे जाना है। वो करीम को देखो भाई, क्या हाल है भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई। यहाँ से जो दिख रहा है ये देखो, वो आपको ये गुंबद दिख रही है, ये मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये एक बड़ा सा लंबा सा एक गुंबद है, ये मस्जिद का एक गुंबद है। और यहाँ पे मस्जिद के पास ही हमारा घर है, हमारा नहीं हमारे रिश्तेदारों का। खैर हम शादी में आ चुके हैं और ये सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है,
जो जो ईरान के अंदर है, ये भी बलूचिस्तान ही है लेकिन ये ईरान के अंदर है। और हम अभी चलते हैं ऊपर। ओ करीम जी, जी बोले बोले। चलो चढ़ो चढ़ो, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, मैं बैठा हूं। चलो भाई से मैं सही कर लेता हूँ। सबल के वे तो मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है हमारे लिए। ओए रुक, आ जाओ भाई बैठ जाओ यहाँ पे, बैठो यहाँ पे आराम से। ओए इतना इतना चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। कल हम आए थे ना इसी जगह पे दो लड़कों के साथ जो यहीं पे ही रहते हैं, वो 13 साल के छोटे छोटे लड़के थे और वो हमसे ऐसे ऐसे भाग भाग के, उनके लिए ऐसा लगता था कोई नॉर्मल रोड पे हो जा रहे हैं, भाग भाग के वो ऊपर तक चले गए थे और हम यहाँ तक ही आके रुक चुके थे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक चले जाएं। करीम बहुत जोश में लग रहे थे, मुझे लग रहा था ऊपर तक चला जाएगा लेकिन यहीं पर ही रुक के है ये। लेकिन ये सांस फूल रही है बहुत, और यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रही है हमारी ये ब्यूटीफुल। वो आपको पत्थर दिख रहा है सामने, वो हिस्टोरिकल पत्थर है, वो हिस्टोरिकल पत्थर है जो पनानी ज़मीन बना होगा तब से यहाँ पे लगा हुआ होगा। लेकिन है बहुत खूबसूरत, एक खूबसूरती होती है जो जैसे कालाम या मरी वगैरह में जो पहाड़ होते हैं वो ग्रीनफुल ग्रीन होते हैं और वो ऐसा बर्फ़ वाले पहाड़ होते हैं, उनकी खूबसूरती अलग होती है। ये ड्राई पहाड़ है, ये पहाड़ देख रहे हो ये ड्राई है, इनकी खूबसूरती फिर अलग खूबसूरती है। तो अभी थोड़ा सा मैं ब्लॉग को बंद करता हूँ, ऊपर चढ़ेंगे फिर मिलेंगे। पहुँच चुके हैं हम, देख सकते हो क्या हसीन ब्यूटी नज़ारा है। और यहाँ तक इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, साफ जवाब है भाई, जो करना है कर लो, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। और पीछे हमारे ये पहाड़ हैं और यहाँ पे हुक वगैरह होते हैं, यकीनन 100% यहाँ पे हुक है लेकिन हमारे पास अभी नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये घाटी चेक करो, थोड़ी सी भी हमारा अगर पांव पिसला तो इन्नल्लाहिवाइन्नाइलैहिराजिऊन। और मेरा भी क्या दिल कर रहा है पता है, मेरा भी दिल कर रहा है मैं अपने हाथ हटाऊँ यहाँ से और पत्थर उठाऊँ। करीम बुला रहा है तुम्हें, वेल डन। तो मुझे बुला रहे हैं आपको, मेरा भाई है आपका भाई है, आपको बुला रहे हैं मेरे ख्याल में, आवाजें दे रहे हैं आपको गधे। यार यहाँ के गधे बोलो कैसे हैं? ऐसे खूबसूरत गधे हैं, घोड़े जैसे गधे हैं, घोड़े जैसे कच्चर जैसे गधे हैं, और कच्चर और घोड़ा और डोंकी, डोंकी प्लस घोड़ा इक्वल्स टू कच्चर, कच्चर ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा दिल क्या कर रहा था, ऐसे बात काट दी मेरी, पत्थर यहाँ से उठाऊँ, ये चेक कर सकते हो ये पत्थर है, ये मैं यहाँ से उठाऊँ और यहाँ से सीधा ऐसे फेंकूँ, फेंकने में बहुत मज़ा आता है यार। ये शायद वो हेलीकॉप्टर आ रहा है मेरे ख्याल में, नहीं 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 कहाँ हेलीकॉप्टर, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैंने समझा ईरानी आर्मी के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं पर। ऐसे लगता था कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि सूरज अभी तक ढला नहीं है, ये येलो येलो चेक कर सकते हो आप, मज़ेदार। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे क्रिकेट के कमेंट्री मैन, बताओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ दो दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। अच्छा। एक बार तो मैं यहाँ गर्मी में आ चुका हूँ, बाकी दूसरी दफ़ा मैं सर्दी में आया हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह यहाँ के लोग, यहाँ पे इज्जत बहुत है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर, क्योंकि घर क्योंकि घर पे हमें कोई इज्जत देता नहीं, यहाँ पे बहुत लोग दे रहे हैं, इसलिए हमें ताज्जुब हो रहा है यार, हमारी इतनी इज्जत है, इतना ताज्जुब हो रहा है हमें। और हमें यहाँ पे ना ही बॉल मिल रहा है ना ही बैट मिल रहा है, हमें क्रिकेट का बहुत शौक है, बहुत अपने मुल्क में बहुत मिस कर रहे हैं और हम पत्थरों को लेके उसके साथ बॉलिंग कर रहे हैं। रुको मैं बॉलिंग करके दिखाता हूँ, ये गया, ओए मेरा गर्दन,
तो हाथ को ज्यादा नहीं घुमाओ ना, शोल्डर ज्यादा नहीं घुमाओ, कितना समझा दो। शुरू हो गई कमेंट्री, शुरू हो गई। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कम क्रिकेट की कमेंट्री करता हूं ना, मसला नहीं है। ये दरअसल क्रिकेट बहुत देखता है, इसीलिए क्रिकेट की कमेंट्री बहुत करता है ये। और पीछे ये सूरज ढलने को आया हुआ है, ठीक है ना। फिर अभी थोड़ा सा हम बैठते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वो देख सकते हो थोड़ा सा ब्लर हो गया है मेरा कैमरा, पानी है यहाँ पे, मैं मार्क कर लूँगा थोड़ा सा है। और मैं सीधा कर लेता हूँ कैमरे को, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है व्लॉगिंग का, इसलिए थोड़ा सा सहलो। और करीम जी जी बोलें बोलें, खुदकुशी करने के लिए सही जगह है, कर लें खुदकुशी, इस्लाम में आराम है, पगले वाड़े 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 वा। क्या क्या बात की है इसने, गधे खुदकुशी करने इस्लाम में बहुत हराम दिया है, अल्लाह ने हराम करार दिया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम खुदकुशी करने की सोच रहे हो अभी। अच्छा ये देख रहे हो, ये एक रास्ता टाइप बना हुआ है ना, ये ऐसा कटा हुआ है, पार की कटी हुई है। तो ये मैं बता दूँ कि जब यार बर्फ़ जमता है इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं बर्फ़ नहीं जमता ये, क्योंकि नीचे का इलाका है ये। अच्छा यहाँ पे बारिश वगैरह होती होगी ना, यहाँ बारिश होती तो बारिश वगैरह होती होगी, जमता है यहाँ पर, तो पानी यहाँ से गुजरते गुजरते ऊपर से ना अपना रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से फुल यहाँ से गुजरते 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 वहाँ तक। ठंडी हवा भी चलने शुरू हो गई, अभी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है, हवाएं शुरू हो गई हैं और रात आने वाली है, और दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला हमें। हमें अभी क्या कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए हैं ना, हमें तो 8 दिन हुए हैं। 9-8 अभी रात तो कल आएगी इंशाल्लाह, जब कल शादी होगी ना तो कल शादी है भाई, कल रात आएगी, कल भी एक व्लॉग बनाएंगे हम, कल भी यहीं पे आ जाए क्या, कल देखते हैं हम, कल फिर से वही शादी पे व्लॉग बना सकते हैं, कल कोशिश करेंगे शादी का व्लॉग, हमारे घर वाले हमें मार देंगे अभी व्लॉग क्यों किया, हम लोग गली के व्लॉग बनाएंगे वहाँ पर, दोस्तों के और भी दोस्त होंगे हमारे। आज हमारा एक दोस्त आ रहा है चिरागाबाद से, उसका नाम क्या है, खारिश नाम है उसका, मामद मामद नाम है उसका। हाँ। एक बंदा है उसका नाम खारिश है, हारिश नाम है उसे, मैं खारिश खारिश बोल रहा हूँ, हारिश नाम है उसका। और अच्छी जगह है, हम कल भी कोशिश करेंगे आए यहाँ पे। और लेकिन मैं नहीं कह सकता, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, आगे तुम लोग समझ जाओ। और आज का व्लॉग यहीं तक था, एंड करता हूँ मैं इस व्लॉग में। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, फुल मेरे बाल वगैरह बन रहे हैं, मौसम भी बेहतर हो चुका है, यहाँ पर बादल आ चुके हैं। बेटा अपना शर्ट संभालो वरना रिवील हो जाओगे, ईरानी फौजी मार देंगे यहाँ पे हमें, ईरान में पहनना पड़ेगा हमारा अपना बलोची कपड़ा वगैरह पहनना पड़ेगा। ईरान में गूगल फेसबुक टिकटॉक व्हाट्सएप सब कुछ बैन हो चुका है, हालत तो ठीक है तेहरान मस्जिद वगैरह, हाँ लड़ाई चल रही है वहाँ पर, बाकी हालत तेहरान की ठीक नहीं है, इंशाल्लाह ठीक भी होंगे। और आज का व्लॉग यही तक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल तुम्हारा है मेरा है नहीं, लेकिन मैं बोला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय।